सो हेलो गाइज, आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी रिमास्टर्ड। गाइज, इससे पहले हमने ग्रैनी गेम को खेला था बहुत टाइम पहले, लेकिन आज हम खेलेंगे ग्रैनी रिमास्टर्ड। गाइज, ये गेम थोड़ा ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स के साथ है, सो अभी इस गेम को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं एक जंगल के अंदर, और भाई पता नहीं हम आधी रात को इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं। भाई मेरी तो गीली हो रही है, कहीं पीली ना हो जाए। सो अभी चलते हैं आगे। भाई आगे की सामने की साइड एक लाइट चल रही है, शायद हम वहीं पर जा रहे हैं। सो अभी कैमरा को फोकस करते हैं भाई उस लाइट की तरफ। अबे ये क्या भाई, ये क्या अजीब सी चीज़ हुई भाई। एक बार तो थोड़ा डर लगा, लेकिन पता नहीं भाई पीसी की स्क्रीन थोड़ी अजीब सी हो चुकी है। सो फाइनली गाइज, हम ग्रैनी के घर पर उठ चुके हैं, और भाई अभी ये टाइप होकर आ रहा है कि हमारे सिर पर बहुत तेज़ लगी है। भाई खोपड़ा फोड़ डाला रे ग्रैनी ने हमारा। भाई ये ग्रैनी ने एक प्रेम पत्र लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो स्टॉप कर कर, लेकिन मैं इसको पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो गाइज, प्रेम पत्र को छोड़ते हैं और चलते हैं आगे। और ये ड्रॉअर वगैरह चेक कर लिए हैं मैंने, भाई ड्रॉअर्स में तो कुछ खास नहीं है। भाई ग्राफिक्स तो सच में काफ़ी अच्छे हैं। और ये क्या भाई, अलमारी, ये इसमें कुछ नई ऐड की गई है। सो दरवाज़ा खोलते हैं, और भाई सच में ये घर कुछ ज़्यादा ही स्कैरी लग रहा है। भाई पहले वाले ग्रैनी गेम से ये गेम थोड़ा ज़्यादा स्कैरी लग रहा है ग्राफिक हाई होने की वजह से। भाई टिक टिक, अरे भाई ये घड़ी की आवाज़ भी डरा रही है। अभी देखते हैं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात को नहीं उठते हम पानी पीने के लिए, और भाई और लाइट बंद करके भाई अचानक भाई कमरे की तरफ भाग लेते हैं, जैसे कि भाई कोई भूत भूत ना पकड़ दे। बिल्कुल सेम वैसी फीलिंग आ रही है अभी तो। अभी देखता हूँ भाई ग्रैनी व्रैनी ना आ जाए, भाई इस गेम की ग्रैनी थोड़ी। अरे यार वो आवाज़ हो गई, वो कैन वगैरह गिर गया है मुझसे। अभी ग्रैनी को देखता हूँ भाई, ग्रैनी ऊपर आ रही होगी सीढ़ियों से। और ये क्या भाई, ये ग्रैनी बहुत अजीब आवाज़ करती है। अभी यहाँ से कूदने का रास्ता था, वो ग्रैनी आ गई भाई कुत्ती पर हैपट मारेगी वो। जल्दी भाग यहाँ से, भागने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। भाग 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 जल्दी भाग। भाई ये ग्रैनी सच में खतरनाक है, घंटी भी अभी बज रही थी। यहाँ से निकलने का रास्ता भाई ये इस घर से, भाई मुझे इस घर के बारे में कुछ खास नहीं पता है। भाई रास्ते पता हो जाएंगे तो ग्रैनी से डर नहीं लगेगा। ये छुपने की जगह है, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए मैं छुप, अभी बाहर कैसे निकल गया मैं, यहाँ पर कुछ देर के लिए छुप जाता हूँ। सो गाइज, अभी ग्रैनी जा चुकी है, और भाई मैं घर में घूम रहा हूँ रात को। और भाई सच बताऊँ तो मेरी फटके हाथ में आ चुकी है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ। ये ग्रैनी तो कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। दरवाज़ा खोलते हैं, पता नहीं भाई ये दरवाज़ा कहाँ पर खुलेगा। वो भी हम ग्रैनी के घर के अंदर ही हैं। और ये भाई ड्रॉअर्स में कुछ चेक कर लेता हूँ, कुछ काम की चीज़ मिल जाए। भाई बंदूक बंदूक मिल जाए तो खोपड़ा खोल डालेगा अपन उसका। भाई पता नहीं हम घर के बाहर आ चुके हैं, और भाई वो कुआ वगैरह है, और ये भाई वो खोपड़ा काटने की मशीन है, और भाई ये वो हट है जिसके अंदर हम रहते थे पहले। भाई आवाज़ आ रही है, ग्रैनी आ रही है भाई, फटे हुए भाई इसमें घुस जाते हैं ज़मीन के अंदर। भाई बाल बाल बचे हैं, ग्रैनी आ गई थी क्योंकि मुझे उसके पैरों की आवाज़ आ गई थी। और भाई ये शायद कोई सीक्रेट रूम है जहाँ पर ग्रैनी नहीं आ सकती है, तो यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए सेव हैं। तो हम भाई ये एक उसकी ग्रैनी का फ़ोटो है इसके, अगर हमने भाई ये भी नहीं पता है यहाँ पर फ़ोटो हमें कहाँ पर लगानी है। और ये भाई गाड़ी का टायर भी है यहाँ पर। भाई सच में भाई इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से तो मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ, साइड हमें दूसरी साइड से इस चीज़ को हटाना होगा, तभी भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो वापस वहीं पे निकलते हैं भाई, कहीं वहीं पे ग्रैनी बैठी हुई ना मिल जाए, और हम हमारी मुंडी निकालते हैं, वाह बेटा कहाँ से निकले हो, तो भाई हमारी गुद्दी पकड़ ले। तो हमें भाई ग्रैनी देख लेता हूँ पहले, मैं यहीं से वापस घुस जाऊँगा मैं भाई सांप की तरह बिल में। सो गाइस, अभी हम अपने बिल से बाहर निकल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ग्रैनी अभी यहाँ पर है, क्योंकि भाई मुझे लगा है ग्रैनी शायद यहाँ से जा चुकी। तो ये ड्रॉअर खोल कर चेक कर लेता हूँ, भाई मुझे लगा ग्रैनी बाहर है। सच में भाई ग्रैनी बाहर है, और उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। भाई मेरी तो फट के 4 से 24 हो गई है, क्या कर भाई। एक मिनट मैं थोड़ी आवाज़ करके देखूं, यहाँ पर का आवाज़ करने के लिए कुछ ऐसा है। ये घंटी की है भाई, घंटी बजी है, अब शायद ग्रैनी आएगी। सो ग्रैनी को चेक करते भाई। वो भाई खोपड़ी हल रही है उस भूतनी की, भाई ये ग्रैनी मारेगी भाई मेरे को, मारेगी पागल भाई। मैं क्या करता रहता हूँ, वापस भगती। एक मिनट इस ग्रैनी के हाथ में पकड़ के देखे कि भाई ये मतलब अगर हम ग्रैनी के हाथ में पकड़े जाएंगे तो इस गेम में ग्रैनी क्या करेगी। पर खोपड़ी तो बड़ी, ओ भाई ये इसके कितने गंदे दांत हैं। तो भाई सेकंड डे हो चुका है, और भाई ये गेम सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगा मुझे। भाई पर्सनली ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया,
लेकिन भाई अभी सेकंड डे में भाई ग्रैनी और भी ज़्यादा भाई गुस्सा हो चुकी है, क्योंकि हमने घर से भागने की कोशिश की है, उसने हमारा खोपड़ा फोड़ दिया फिर से। ये क्या भाई, उसने गेट की जगह भाई गेट उखाड़ कर दीवार छिन दी है सीमेंट की। भाई अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, मुझे तो भाई यहाँ से बाहर निकलने की कोई चीज़ भी नहीं मिली है और ना ही कोई रास्ता नज़र आ रहा है। सो भाई जिस रूम से अब सेकंड डे में मैं कैसे एस्केप करूँ मुझे नहीं पता है, आप नीचे कमेंट करके बताना गाइस जिसके घर से मैं कैसे एस्केप कर सकता हूँ। सो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।